कानपुर में बारिश में जल जमाव जबरदस्त तरीके से हो रहा है। जूही खलवा पुल में हम मौजूद हैं और यहाँ के कुछ ही घंटों में बारिश होने के बाद जबरदस्त जल भराव होता है। आपको देखिए कि लोडर फंस गया है, कई कई फीट तक पानी यहाँ पर भर जाता है। अगर दूसरी तरफ देखें तो साइड से जो बाइक वाले हैं वो निकल करके आ रहे हैं, लेकिन लोडर बीच में पानी ज़्यादा होने के चलते फंस गया है। दूसरी तरफ की अगर तस्वीर आपको दिखाएं तो जो गाड़ियां हैं दूसरी तरफ वो इधर से नहीं निकल पाएंगी, इसलिए वो वापस जा रही हैं। नगर निगम के दावों की एक बार फिर से पोल खुली है और नगर निगम ने कहा कि यहां पर विशेष व्यवस्था की गई है और पंप के द्वारा यहां से पानी की निकासी करा दी जाएगी, लेकिन ऐसा नहीं हो पा रहा। दूसरा लोडर भी जा रहा है और तमाम लोग प्रयत्न करते हैं यहाँ से निकलने के लिए, लेकिन बीच में जा करके फंस जाते हैं क्योंकि स्लोप है और इस स्लोप में हर साल इसी तरीके से पानी भर जाता है। बारिश काफ़ी ज़्यादा सुबह से हो रही थी और सुबह से बारिश होने के बाद अब जब लोग निकल सकते हैं तो निकल रहे हैं किनारे से, और नहीं निकल पा रहे हैं तो अपने रास्ते को मोड़ करके यहाँ से जा रहे हैं। आप लोग कहाँ जा रहे हैं? जरा काम पे गाड़ी जा रहे हैं। गाड़ी जा रहे हैं तो निकल जा क्यों नहीं रहे हैं? क्या करें, पानी भरा पानी भरा, क्या करोगे? पानी उतरने का इंतजार नहीं, फिर वापसी जा रहे हैं, क्या करें? कहाँ जाओगे वापसी? सीधे गाड़ी चलाएंगे जाकर, लंबे रूट से लेके। आप कहाँ जा रहे हो? हम तो फरकाबाद जा रहे थे, बहुत देर से वहाँ खड़े, कोई ऑटो आने के लिए तैयार ही नहीं था। हाँ। बोल रहे पानी भरा हुआ है पुल के नीचे, तो पैदल आ गए? तो पैदल आए, क्या करें? इसी पानी से उतर के आए? अब उधर साइड से चल के आए, क्या करें? ऑटो वाले तैयार नहीं थे, ये घंटे से खड़े हुए हैं, डेढ़ घंटे से खड़े। हाँ। आप कहाँ जा रहे हो? हम तो परमपुरवा जा रहे हैं। हाँ, तो परमपुरवा काहे के लिए जा रहे हो? गाड़ी है ये, गाड़ी लेके जाओगे? हाँ। नहीं जा पाएगी आगे? नहीं जा पाएगी, डेढ़ घंटे से खड़े हुए हैं पहले से। देखिए हैं, बहुत तकलीफ होती है, बारिश जब होता है तो यही भर जाता है, हर बार यही होता है। देखिए आपको तस्वीर दिखाएं, लोग किस तरीके से, देखिए रिक्शा लेकर के आ रहा है, साइड से लोगों ने जुगाड़ कर लिया है निकलने का। जो मेन रास्ता है, रोड है, वो फंसी हुई है। देखिए लोडर तो फंस गया अभी है, अब ये लोडर तभी निकल पाएगा जब इसको निकालने के लिए कोई दूसरा सहायता यहाँ पे पहुंचेगी। कुछ लोग हैं जो बाइक से निकल के निकल रहे हैं, ये देखिए ये भी ई रिक्शा मोड़ करके जा रहे हैं, गाड़ी वाले भी मोड़ के जा रहे हैं, और ये यहाँ की ऐसा लगता है कि इति बन गई है। और हर बार ऐसा ही होता है जूही खलवा पुल में, बारिश अगर शहर में ज़्यादा होती है तो ऐसे ही पानी भरता है, जल जमाव होता है। नगर निगम कहाँ है नहीं दिखाई पड़ता, नगर निगम के अधिकारियों के दावे भी नहीं दिखाई पड़ते कि ऊपर से ट्रेन निकल रही है और नीचे जो गाड़ियां हैं सड़क से नहीं निकल पा रही हैं, लोग नहीं निकल पा रहे हैं और किनारे से जाने को मजबूर हैं। कुल मिलाकर के एक बार फिर से बारिश हुई, तेज बारिश हुई कानपुर शहर में और जल जमा हुआ जो ही खलवा पुल के पास। स्थिति यही है कि लोग बाइक वाले साइकिल वाले किनारे से निकल आ रहे हैं, लेकिन जिनके पास बड़ी गाड़ियाँ या तो वो मुड़ के जा रहे हैं या फिर जल में फंस जा रहे हैं। कानपुर से कैमरामैन पंकज निगम के साथ रतीश त्रिवेदी, एबीपी गंगा। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।